वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर के आई हूँ, शाही टोस्ट, जिसको हम शाही टुकड़ा भी कहते हैं। और इसको आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बार राखी पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 ब्रेड के पीस लिए हैं। जो किनारा मुझे थोड़ा सा हार्ड सा लगेगा सिर्फ मैं वो काट लूँगी। ये वाला किनारा मैं हल्का सा काट ले रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे हार्ड सा लग रहा था तो ये मैंने काट लिया है। और अब मैं इसको बीच में से ऐसे करके काट ले रही हूँ। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं 2 कटोरी भर के चीनी ले ले रही हूँ। 1 कटोरी चीनी और ये 1 कटोरी चीनी, 2 कटोरी भर के मैंने चीनी ले ली है। इसमें मैं 1.5 कटोरी पानी डाल दे रही हूँ और इसको ऑन कर ले रही हूँ। और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। चाशनी वाला पानी जो है वो अच्छे से उबलने लगा है। अब इसमें हम पिसी हुई इलायची डाल दे रहे हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी जो है लगभग तैयार है। आइए अब हम देख लेते हैं इसमें एक तार बना है कि नहीं। ये देखिए, हमारी चाशनी में एक तार बन गया है। हमारी चाशनी तैयार है। अब इसको हम रख देंगे। अब हम अपनी ब्रेड को जो है फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा रिफाइंड डाल ले रही हूँ। इसमें हम ब्रेड डाल दे रहे हैं। शाही टुकड़ा बनाने में बहुत ही आसान होता है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये बिल्कुल कुरकुरी हो गई हैं। ब्रेड हमारी फ्राई हो गई हैं। इनको अब हम धीरे धीरे करके निकाल ले रहे हैं। इसी तरीके से और ब्रेड को भी मैं फ्राई कर लूँगी। और बाकी ब्रेड को भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। इसको आप किसी भी फेस्टिवल पे बना के तैयार कर सकती हैं। ब्रेड को आप पहले से फ्राई करके रख लीजिए और उसके बाद इसको चाशनी में डाल करके रबड़ी से फिर सर्व कर दीजिए। देखिए, ये भी ब्रेड हमारी कितने अच्छे से फ्राई हो गई हैं। मैंने रबड़ी की रेसिपी बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए, बातों बातों में अब हमारी जो ब्रेड है ये फ्राई हो गई है। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी है। अगर चाशनी को ज़्यादा तेज़ गर्म हम रखेंगे तो हम जब इसमें टोस्ट डालेंगे तो हमारे टोस्ट जो हैं सारे मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको चाशनी को जो है हल्का गुनगुना रखना है, जिससे चाशनी हमारे टोस्ट के अंदर जा पाए। अब हम इसमें टोस्ट डाल ले रहे हैं अपने। एक एक करके इसमें मैं टोस्ट डालती जाऊँगी और उनके ऊपर चाशनी डालती जाऊँगी।
टोस्ट ने जो है चाशनी अच्छे से सोख ली है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से मैं ब्रेड को रखती जाऊंगी और अब इसमें मैं रबड़ी डाल दे रही हूँ और जो मैंने ये डाली है ब्रेड, इसको मैं पूरा कवर कर दूँगी और जब मैं इसको कवर कर लूँगी तब मैं दूसरा टोस्ट रखूँगी। अब इसको मैं पिस्ता और बादाम से गार्निश कर ले रही हूँ। देखिए कितनी शानदार बनी है, ये देखिए। और थोड़ी सी मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं चांदी का वर्क लगा ले रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप लगाइएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। हमारे शाही टुकड़ा बनकर के तैयार हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और अब की बार राखी में इस बार डिफरेंट टाइप की आप मिठाई को जरूर ट्राई करिएगा और इसको अपने भाई को और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बना करके खिलाइएगा। और आपको अगर मेरे इस शाही टुकड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का आपको तुरंत पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।